नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर ही है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप रिस्क से डरते हैं, आपको रिस्क कम लेना है, तो क्या ऐसी भी कैटेगरी म्यूचुअल फंड में मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी कैटेगरी भी आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगी जहां रिस्क आपको काफी कम मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में तो यही कहा जाता है कि इसमें हाई रिस्क है। ऐसा नहीं है, यहाँ रिस्क को कैटेगराइज भी किया गया है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, सभी तरह की कैटेगरी आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है। बस एक आपको अपने हिसाब से सही कैटेगरी चुननी होती है कि आपको किस कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कमेंट है, पहले मैं आपको कमेंट बता देता हूँ कि किनका कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है। कमेंट मुझे किया है शुभम ग्रोवर जी ने, 60 की इनकी एज है और 6 लाख रुपए ये लमसम करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। 60 की एज है आपकी और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि काफी जागरूक लोग हो रहे हैं। देखिये, मैंने अपने कुछ पहली वीडियोज में ये बात कही भी थी कि मैंने देखा है कि जिनकी एज 55 से ऊपर की है ना, वो लोग बहुत कम घबराते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, और जिनकी एज 40 टू 50 के बीच में वो थोड़े से घबराते हैं और 40 से कम वाले भी नहीं घबराते। तो सर ने जो कमेंट किया है इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ एक एक चीज में आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज 60 है या 65 है या 55 है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, भले उनकी एज अभी 30 है, 35 है, लेकिन एक सेफ फंड की तरफ वो जाना चाहते हैं जहां कम रिस्क हो, तो वो भी इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि देखिए, सभी लोग हाई रिस्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, सभी की अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कुछ पैसा अपना ऐसी सेफ जगह इन्वेस्ट करूं, रिटर्न्स थोड़े से भले ही मुझे कम मिले लेकिन पैसा मेरा हाई रिस्क में इन्वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा टॉपिक को, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी देखिए, पैसों से रिलेटेड टॉपिक्स पर ही वीडियो मैं बनाता हूं, तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि पैसों का मामला है तो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। चलिए, यहां एज पहले मैं सर की लिख देता हूं। सर की जो एज है वो 60 है। अब इनको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 6 लाख रुपए का करना है। वैसे तो इनका कहना है कि मैं यूटीआई में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, निफ्टी 50 में। देखिए, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्योर इक्विटी फंड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फंड यहां सजेस्ट करने वाला हूं जो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। अब हाइब्रिड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? यहां आपका पैसा डेट में भी रहेगा, यानी कि सेफ साइड भी रहेगा, और कुछ पैसा आपका इक्विटी में रहेगा। अब यहां भी कैटेगराइज किया गया है कि आप एग्रेसिव हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का मतलब है कि यहां आपके पैसे का ज्यादा पोर्शन डेट में रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा, और कम पोर्शन शेयर मार्केट की तरफ भेजा जाएगा। तो ये एक सेफ साइड हो सकती है आपके लिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। तो आज की वीडियो में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपने कहा है कि मुझे 3 फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो यहां मैं 2 कैटेगरी आपके साथ शेयर करूंगा। आप उन दोनों कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा 50-50% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ज्यादा सेफ है तो आप सारा पैसा भी उस फंड में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फंड कम रिस्क के साथ आता है। चलिए, फंड का नाम है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। फंड का नाम मैं यहां लिख देता हूं, फंड का नाम है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड ये फंड का नाम है। काफी बढ़िया फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में हमें देखने को मिली है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आती है होल्डिंग्स की, हमारा पैसा इन्वेस्ट आखिर हो कहां रहा है। ये चीज इसमें मैटर करती है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। अब देखिए, यहां पर सीधा मैं होल्डिंग्स की ही अगर बात करूं क्योंकि वहीं से चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। देखिए, डेट में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है वो समझिए आप। डेट में जो इनका पैसा इन्वेस्ट है वो 69.1% है। डेट का मतलब है कि इतना पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। आपके पैसे का 70% हिस्सा तो बिल्कुल सेफ साइड इन्वेस्ट हो गया, बाकी का जो पैसा है आपका कुछ यहां कैश में भी रखा जाता है, और इक्विटी में जो आपका पोर्शन है पैसे का, इक्विटी में जो आपका पैसा जाएगा वो जाएगा 24.8%। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा, बहुत सही चीज है। अगर आप कम रिस्क वाले फंड में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं। देखिए, रिस्कोमीटर के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये फंड मॉडरेट रिस्क के साथ हमें देखने को मिलता है।
तो काफी बढ़िया फंड है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक बार इस फंड को जरूर देखिएगा। बाकी देखिए, अगर इक्विटी का पोर्शन भी आप देखें, ये जो 24% पैसा है इसका भी अगर आप डाइवर्सिफिकेशन देखें, इसमें से भी 14% पैसा आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट है, और स्मॉल कैप में 5% और मिड कैप में 4%। कुछ इस तरह से आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। इन 24 में से 14% पैसा भी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही लगाया गया है। तो बहुत ज्यादा रिस्क में यहाँ ये फंड देखने को मुझे नहीं मिलता, क्योंकि 70% पैसा तो सेफ साइड ही है, बाकी का जो 25% के आसपास है उसमें से भी लगभग 14.5% आपका टॉप 100 कंपनीज में जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फंड किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करके चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंड साइज की और एक्सपेंस रेशियो की। फंड साइज इसमें हमें देखने को मिलता है 2189 करोड़ रुपए का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत सही है, केवल 0.45% एक्सपेंस रेशियो आपसे यहां चार्ज किया जाता है। बात करते हैं रिटर्न्स की, इस फंड ने रिटर्न्स कैसे हमें बना कर दिए, क्योंकि देखिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको रिटर्न्स से ही ज्यादा मतलब है। बहुत से लोग हैं वो होल्डिंग्स वगैरह पर भी ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है, हमें तो आप रिटर्न्स बताइए कि फंड के रिटर्न्स कैसे हैं। चलिए रिटर्न्स पर आ जाता हूं। लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स 13% से भी ज्यादा के रहे हैं। लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें 13.30% के देखने को मिले हैं, और अगर लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स आप देखें, लास्ट 10 ईयर्स के, वो हमें देखने को मिले हैं 11.57% के, 11.5% के आसपास के रिटर्न्स लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने बनाकर दिए हैं। देखिए अगर आप बैंक में एफडी वगैरह करते हैं उससे तो काफी ज्यादा रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और लास्ट के 5 ईयर्स में तो परफॉर्मेंस और भी जबरदस्त रही है। लास्ट के 10 ईयर्स में रिटर्न्स आपको इसके मुकाबले कम इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट कंडीशन, अगर आप पिछले 10 सालों में जाए उस बीच में कोरोना काल भी हमें देखने को मिला था और भी काफी सारी चीजें थी, तो उसमें थोड़ा सा मार्केट डाउन हुई थी, तो थोड़े से रिटर्न्स हमारे यहाँ कम है, और अभी मार्केट काफी तेजी से बढ़ी है इसीलिए रिटर्न्स आपको ज्यादा लास्ट के 5 ईयर्स में देखने को मिल रहे हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर कम टाइम में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, काफी फंड्स में आपको यही देखने को मिला है, तो क्यों ना हम कम समय के लिए इन्वेस्ट करें। देखिए अभी लास्ट के 3-4 साल में ना मार्केट ने काफी उछाल लिया है, इसीलिए लास्ट के हमेशा 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप जो अभी देख रहे हैं वो आपको ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल में रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेंगे और 10 में कम मिलेंगे, ये सब मार्केट कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है। देखिए एक कैटेगरी की मैं और आपके सामने बात कर रहा था, वो कैटेगरी थोड़ी सी अग्रेसिव कैटेगरी आ जाएगी। आप बैलेंस एडवांटेज फंड में भी कुछ पैसा डाल सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा अगर आप थोड़ा सा यहाँ लमसम करेंगे उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, बैलेंस एडवांटेज फंड में ये फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पैसे को डेट में और इक्विटी में अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इक्विटी में 24.8% है, डेट में 69% है, अगर मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो इस पैसे के पोर्शन को फंड मैनेजर अपने हिसाब से इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस फंड में वो चेंज कर सकते हैं। तो आप कुछ पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा सेफ साइड ही रहना है तो आप सारा पैसा इस फंड में भी डाल सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको इस फंड के मुकाबले थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, वहां आपको लगभग 14.5% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप दोनों फंड्स में 3-3 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको लॉन्ग टाइम में औसत रिटर्न की अगर मैं बात करूं 11-12% के आसपास देखने को मिल जाता है, देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लमसम 6 लाख रुपए का, और आपने मान के चलता हूं कि 3 लाख रुपए आपने डेट हाइब्रिड फंड में डाले और 3 लाख रुपए आपने बैलेंस एडवांटेज फंड में डाले, औसत रिटर्न एग्जाम्पल के लिए 12% भी अगर आपको इन फ्यूचर मिलता है तो इन 6 लाख रुपए की वैल्यू अगले 10 साल में क्या बन सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। और देखिए अगर आप चाहें तो आप इस पैसे से एक अपनी मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका प्लान कुछ इस तरह का हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है आपका, रिटर्न्स मैं 12% रख रहा हूं, अगले 10 साल के लिए अगर आप इस पैसे को फिक्स कर देते हैं तो 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर आफ्टर 10 ईयर्स रिटर्न्स 12% के मैंने रखे हैं तो इन 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 18 लाख, 18.5 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। रिटर्न्स मैंने 12% ही रखे हैं, अगर आप सारा पैसा इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसके रिटर्न्स भी आपको लगभग 12% के देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं।
और अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ जाएंगे तो वहां तो रिटर्न आपको लगभग 14% के देखने को मिलता है। तो इसलिए औसत रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए 12% यहाँ रखा है। 6 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल आप इस तरह से भी अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 की एज के लिए थोड़ा सा सेफ साइड ये मुझे फंड लगा, आपको बहुत ज्यादा रिस्क में आपको पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप इस तरह के फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।